हेलो फ्रेंड्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डिडक्टिव एंड इंडक्टिव जो कि मेथड ऑफ इकोनॉमिक लॉज हैं, जिसके अंदर हम प्रीवियस वीडियो के अंदर डिडक्टिव मेथड कर चुके हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो लॉ है उसको पहले हम जनरलाइज करते हैं जो कि फैक्ट के बेसिस पे होता है, फिर उसके बाद क्या होता है कि हम स्पेसिफिक जो है उसको अप्लाई करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ द इंडक्टिव, जिसके अंदर क्या होता है कि पहले हम डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बेसिस पे क्या होता है कि स्पेसिफिक को अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद जो है उसको जनरलाइज करते हैं। और इसके जो रिटर्न नोट्स हैं वो भी आपको मेरे ब्लॉग में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडक्टिव मैथड होता क्या है। देखो, इसको एक्सपेरिमेंटल मैथड भी कह सकते हैं, हिस्टोरिकल मेथड भी कह सकते हैं, एनालिटिकल मेथड भी कह सकते हैं, और ये स्टैटिस्टिकल मेथड भी कह सकते हैं, पोस्ट प्रायरी मेथड भी कह सकते हैं, एम्पिरिकल मेथड भी कह सकते हैं। विल्सन जी कहते हैं इंडक्टिव मेथड इज़ द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। देखो, जो डिडक्टिव था वो बिल्कुल ऑपोजिट था, वो जनरल टू पर्टिकुलर था। तो यहाँ पे पर्टिकुलर पहले हम थ्योरी बिल्ड करते हैं, फिर उसको ही जनरलाइजेशन करते हैं। तो यहाँ पे पर्टिकुलर टू, देखो जैसे कोई भी पहले हम डाटा कलेक्ट करते हैं, उसकी वेरीफिकेशन करते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है कि उसको हम जनरलाइज करते हैं। तो वी प्रोसीड फ्रॉम द पर्टिकुलर ट्रूथ टू द जनरल ट्रूथ ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। जब ये मेथड यूज़ किया जाता है तो इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारा डाटा जो होता है प्रॉब्लम के रिलेटेड कलेक्ट किया जाता है, और उसके बेसिस पे क्या होता है कि उसको वेरीफाई किया जाता है, उसके बेसिस पे पर्टिकुलर रिजल्ट निकाले जाते हैं जिसको बाद में जनरलाइज किया जाता है। और कई बार क्या होता है कि देखो, जो डिडक्टिव मेथड ने थ्योरी डिवेलप की होती है उसको भी चेक किया जाता है, उसके ट्रूथ और वेरीफिकेशन को भी चेक किया जाता है। अब हम देखते हैं कि जो इंडक्टिव मेथड है इसको दो वे से कलेक्ट किया जा सकता है। एक एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है जो कि नेचुरल साइंसेस के अंदर ज़्यादा पॉपुलर होता है, क्योंकि वहाँ पर लेबॉरेटरी के अंदर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और इनका जो स्कोप है इकोनॉमिक्स के अंदर हम एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है अडॉप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट नहीं पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर लैब्स नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर जो इकोनॉमिक्स है बेसिकली ये ह्यूमन बिहेवियर जो होता है उसको स्टडी करती है। तो वहाँ पर लैब के अंदर उनके साथ एक्सपेरिमेंट करना जो होता है पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पर स्टेटिस्टिकल मेथड जो है यूज़ किया जाता है, जिसके बेसिस पे क्या होता है कि जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे स्टैटिस्टिकल टूल लगा के जो है उसको हम वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पे उनके कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करते हैं। यहाँ पे जैसे एंगल्स लॉ ऑफ फैमिली एक्सपेंडिचर, माल्थिसन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, ये इंडक्टिव स्टैटिस्टिकल रीजनिंग से ही क्या होता है कि ड्राइव किए गए हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इंडक्टिव मेथड है, जैसे देखो वहाँ पे हमने कहा था कि मैन इज मॉडल, तो यहाँ पे हम जनरल पर्टिकुलर से जनरल तक पहुंचते हैं कि राम एक व्यक्ति है और वो मॉडल है, श्याम एक मैन है, ही इज मॉडल, रवि इज ए मैन, ही इज मॉडल। तो जिसके बेसिस पे क्या है कि हम कह सकते हैं कि मैन जो होता है वो नाशवान होता है। तो अब देखो, यहाँ पे इंडक्टिव जो होता है पर्टिकुलर टू जनरल, डिडक्टिव जो होता है जनरल टू पर्टिकुलर। तो यहाँ पे ये आपने डिफरेंस जो है याद रखना है, वैसे मैं डिफरेंस के ऊपर भी जो है एक वीडियो बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखो, जो स्टेप्स होते हैं इंडक्टिव के, पहले जो डाटा होता है उसको हम कलेक्ट करते हैं, जिसके बेसिस पे क्या होता है कि उनका वेरिएबल का आपस में रिलेशनशिप जो है बिल्ड करते हैं, अज्यूम करते हैं, फिर जो डाटा होता है उसकी हम एनालिसिस करते हैं, जिसके बेसिस पे हम कंक्लूजन निकालते हैं, उसकी वेरीफिकेशन होती है, फिर उसके बाद क्या होता है कि उसको जनरलाइज किया जाता है। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप जो है देखते हैं। ऑब्जर्वेशन, पहले डाटा हम कलेक्ट करते हैं, तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो है इस टेक्निक को यूज़ करते हैं, जैसे वो इनपुट आउटपुट टेक्निक यूज़ करते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं। जैसे हमने कोई थ्योरी बनानी है कि जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जो डिफरेंट इकोनॉमिक, जैसे प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, तो टर्शियरी सेक्टर है, तो उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे हम डाटा जो है तीनों सेक्टर से जो है कलेक्ट करते हैं और उसके बेसिस पे क्या होता है कि रिलेशनशिप जो है बिल्ड करते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि नेचुरली टू फाइंड आउट द करेक्टरिस्टिक और नेचर ऑफ द रिलेशनशिप, जिसमें हम हाइपोथीसिस कैसे बनाते हैं। तो डाटा जो हम कलेक्ट करते हैं उसके जो फैक्ट होते हैं उससे हम उसकी नेचर और फीचर को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि पहले से, क्योंकि कंपेरिजन भी पॉसिबल है कि पहले प्राइमरी सेक्टर का शेयर था और आज जो टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है, तो सर्विस सेक्टर जो कि टर्शियरी सेक्टर का सेक्टर शेयर इंक्रीज हो रहा है, विच इज़ ए साइन ऑफ इंक्रीज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और यहाँ पे हम लॉजिकली प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि ये हमारा रिलेशनशिप था।
तो इस तरह का फ्यूचर के अंदर जो है, क्योंकि पहले प्राइमरी शेयर था, अब सेकेंडरी टर्शरी से शेयर जो है पहले से इंक्रीज़ हो रहा है और नेशनल इनकम पहले से रियल टर्म्स के अंदर इंक्रीज़ हो रही है। तो इसको हम रियल फैक्ट के बेसिस पे जो कंक्लूजन निकालते हैं उसकी टेस्टिंग हो सकती है। और उसी तरह हम देखते हैं कि जैसे क्योंकि टर्शरी सेक्टर का शेयर इंक्रीज़ हो रहा है तो इकोनॉमिक डिवेलपमेंट भी हो रही है, तो रोल ऑफ टर्शरी सेक्टर है इज़ इंक्रीज वाइल डेट ऑफ प्राइमरी सेक्टर हैज़ डिक्रीज। क्योंकि जब प्राइमरी सेक्टर का डिक्रीज होता है तो इट मीन्स कि कंट्री जो है उसके अंदर टेक्नोलॉजी डिवेलप हो रही है, इकोनॉमिकली वो डिवेलप हो रही है। अब हम देखते हैं कि ये जो बेटर मेथड है ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल कंक्लूजन देता है। क्योंकि यहाँ पे हम पहला डेटा कलेक्ट करते हैं, उसकी वेरिफिकेशन करते हैं, और यहाँ पे हम हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस से भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट भी कंडक्ट कर सकते हैं। जब हम थ्योरी को फॉर्मुलेट करते हैं तो उसके अंदर जो चेंजिंग सिचुएशंस होती हैं उनके बेसिस पे हम हाइपोथेसिस बिल्ड करते हैं। क्योंकि जैसे पहला हम डाटा कलेक्ट करते थे तो प्राइमरी सेक्टर का शेयर ज़्यादा था, अब सर्विस सेक्टर का शेयर ज़्यादा हो रहा है, तो जो चेंज सर्कमस्टांसेस होते हैं उसी के हिसाब से इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा होती है। और ये डिडक्टिव मेथड को कॉम्प्लीमेंट करता है और इकोनॉमिक लॉज ये भी क्लियर करता है कि ये यूनिवर्सल नहीं होते। और ये फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन के अंदर किस तरह से ये हमारी रिसर्च जो है हेल्पफुल हो सकती है वो भी बताती है। देखो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ सैंपल हम सिलेक्ट करते हैं, उसके बेसिस पे डाटा कलेक्ट करते हैं और उसके बेसिस पे जनरलाइज कर देते हैं, जो कि ट्रू नहीं होता। डाटा जो होता है जो हमने सिलेक्ट किया है वो आर्बिट्रेरी भी हो सकता है, लॉजिकली बेस्ड नहीं हो सकता। और ये जो मेथड, क्योंकि यहाँ पे हम डाटा कलेक्ट करते हैं, डिडक्टिव के अंदर हमें फैक्ट के बेसिस पे करते थे, लॉजिकल रीजनिंग के बेसिस पे करते थे, यहाँ पे हम डाटा कलेक्ट करते हैं, ये बहुत एक्सपेंसिव मेथड है और इसका स्कोप भी बहुत लिमिटेड है। और इसकी जो यूटिलिटी है वो नेचुरल साइंसेज के अंदर ज़्यादा है, सोशल साइंसेज के अंदर कम है। और इसके जो कंक्लूजन होते हैं वो भी सर्टन नहीं होते, क्योंकि कुछ रिजल्ट के बेसिस पे हम उसको जनरलाइज कर देते हैं। और इंडक्टिव मेथड से इकोनॉमिक थ्योरी बिल्ड नहीं होती, उसके साथ हमें डिडक्टिव मेथड भी चाहिए होता है।